नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल ऑन चार्ट एंड बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज डेफिनेटली वी डिस्कस मोर देन 10 स्टॉक्स डेली, तो आज भी मेरे पास ऑलमोस्ट 20 स्टॉक्स हैं, बट फिर भी उनमें हम 10 स्टॉक्स में डेफिनेटली फोकस करेंगे। और वो देखिए, ऐसे स्टॉक होते हैं जिनमें या तो ब्रेकआउट हुआ होता है या तो फिर कोई भी मतलब या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड का सिग्नल वहां पर होता है, तो हम लोग बेसिकली ऐसे स्टॉक्स को उठाते हैं। तो और इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, और वीडियो के अंत में अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी को। देखिए, निफ्टी 3 दिन से एक लेवल पे आकर के स्ट्रगल कर रहा है, एंड दैट लेवल इज नथिंग बट 12,365 या 360 का जो लेवल है, उस लेवल पे निफ्टी अब बार बार डेली अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करें, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट को आप एक काम कीजिए थोड़ा और जूम कर देता हूं। ऊपर के साइड में देखिए, आज एक हाई नो डाउट लगा है, 12,387 का एक हाई लगा है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे जो कंसोलिडेट करता है निफ्टी आकर के, वो ऑलमोस्ट 12,355 के पास में ही करता है। तो अगर एक रेंज बोली जाए निफ्टी की, तो रेंज देखिए डाउन साइड में अगर आप ले लोगे 330 से लेकर के अप साइड की बात करें तो 365 की जो रेंज है, इसमें निफ्टी 3 दिन लगातार गुजार रहा है अपने। इसके अलावा अगर हम लोग देखें निफ्टी के लेवल देखते हैं, तो निफ्टी के लेवल ये हमारा कल का डेटा है नो डाउट। तो सपोर्ट की बात करेंगे, देखिए आज भी जो निफ्टी आया नीचे, वो ऑलमोस्ट 12,317-315 का इसने लो बनाया, और वो लो बनाने के बाद में यानी जो हमारा एक सपोर्ट था 12,320 का, वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद तुरंत उसने वहां से एक रिकवरी शो कर दी। उसके बाद में देखिए, ये सपोर्ट अभी भी हमारा बना रहेगा, अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इस चार्ट को आप एक काम कीजिए, आवरली चार्ट पे अगर आप चेंज करोगे तो वहां से आपको दिख जाएगा, ये जो देखिए 12,290 का यहाँ पर ऑलमोस्ट, ये 12,290 पे अच्छा खासा निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद में आज अगर आप देखोगे मल्टीपल सपोर्ट्स लगे हुए हैं, एक तो 12,320 का मैंने आपको जो कल सपोर्ट दिया था, ये सपोर्ट मैंने कल दिया था, जी हाँ, आज देखिए ऑलमोस्ट 12,320 के पास में 2-3 बार इसने सपोर्ट लिया है। फिर उसके बाद में जो रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, 12,367-365 का मैंने रेजिस्टेंस बोला था, तो उसमें अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 12,364-365 और 7 तक की ये वीक देखे, 12,367 तक का रेजिस्टेंस इसमें आज फेस इसने किया है। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल मैंने दिया था 12,380 का, तो नो डाउट देखिए जो हाई इसका लगा है वो ऑलमोस्ट 87 का लगा, यानी वो रेजिस्टेंस ब्रेक जरूर किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब दोस्तों देखिए, रेजिस्टेंस की हम लोग कल के लिए बात करेंगे, अभी भी हम लोग इन्हीं रेजिस्टेंस में इंटैक्ट रहेंगे, बिकॉज देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग है दैट इज 12,354, अभी 354 के बाद में नीचे की भी अगर हम लोग बात करें तो सेम सपोर्ट हम लोग रखेंगे नो डाउट, और ऊपर की भी बात करेंगे तो रेजिस्टेंस भी सेम रखेंगे। हाँ, एक बार अगर 12,400 ब्रेक होता है तब वहां पर मोस्ट प्रोबेबली देखिए, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बनता है आपका, 12,420 या 30 के आसपास में एक फेस कर सकता है, लेकिन इस लेवल को कल एक्सपेक्टेड होगा कि नहीं, कल ये मिलेगा नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके पहले देखिए मैं फिर से बोल देता हूं, ये दो लेवल एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का काम करेंगे निफ्टी के लिए, और बाकी सपोर्ट आपके पास ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब चलिए बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 2 दिन की गिरावट के बाद में, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, जी हाँ देखिए 2 दिन की गिरावट के बाद में बैंक निफ्टी ने आज यहाँ थोड़ा नीचे जरूर आया। लो पे आने के बाद मैंने क्लियरली बोला था जो इसका लो है सपोर्ट पे आप बाई कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो। वहां से देखिए बैंक निफ्टी ने फिर 31,984 तक का फिर से हाई लगाया उसने ऑलमोस्ट। अगर ये तो डेली था, डेली चार्ट है, ऑलमोस्ट डोजी बना हुआ है पहली बात। अब आवरली चार्ट पे अगर आते हैं तो देखिए आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे 31,920 के आसपास में इसका कंसोलिडेशन रहा है, और हाई की एक हम लोग अगर बात करेंगे तो हाई में आज इसने 31,990 और 87 के आसपास में हाई मारा है, जो कि अगर पहले यानी कि 15 जनवरी की आप बात कर लो कल की, तो कल का जो देखिए ओपन प्राइस था ऑलमोस्ट वहीं पर है।
इसके बाद में कंसोलिडेट किया इस बैंक निफ्टी, और देखिए इसकी क्लोजिंग जो है 31,850 के पास में है। अभी भी बैंक निफ्टी के लिए देखिए सपोर्ट वही रहेगा ऑलमोस्ट 31,750 का, और उसके नीचे भी अगर गया तो ऑलमोस्ट 31,670-660 के आसपास का। ऊपर की बात करेंगे देन बैंक निफ्टी इज हैविंग रेजिस्टेंस अराउंड 31,920। तो देख लेते हैं एक बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी के क्या हैं। जी हाँ, इसको मैं थोड़ा लेट मी चेक। ओके, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, लेट मी डू वन थिंग, लेट्स मिनिमाइज इट फर्स्ट। ओके, नाउ वी कैन चेक इट। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सपोर्ट देखोगे 31,660 का सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद में जो एक सपोर्ट बनता है वो बनता है 31,750 का। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर और ये गलत अरेंजमेंट है इसका, इसको यहाँ पर होना चाहिए एक्चुअली। जी हाँ, अभी हम लोग देखिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट की बात करेंगे तो सारे हमारे पास लाइंस हैं 31,750, देन 31,660 एंड देन 580 एंड 430। बट ऊपर की बात करेंगे तो 31,970, तो आज का हाई जो आप देखोगे 31,987 के आसपास में इसका एक हाई रहा है। तो यानी कि ये वाला जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है काम कर रहा है अच्छे से। अगर उसके बाद 32,000 भी ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, देन डेफिनेटली 32,090 का हमारा जो नेक्स्ट लेवल है रेजिस्टेंस का, देन 32,180 एंड 250 तक के लेवल आते दिख सकते हैं। तो इसके अलावा अब दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी में पॉजिटिव क्या मुझे लग रहा है। पॉजिटिव की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को जो उनका ड्यू है उसे पे करने के लिए 1 वीक का टाइम दिया, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द बैंक्स, उनके पास जो उनका एनपीए है, जिन्होंने लोन दे रखा है टेलीकॉम कंपनियों को, उनको कहीं ना कहीं एक उनमें खरीदारी होते हुए दिख सकती है, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज है बैंक्स के लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक देखिए कैडिला हेल्थ का है, क्लियरली इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर ये देखिए ये जो पहले अभी तक का इसका अगर आप देख लो देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 260 का, 260 के बाद में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था ऑलमोस्ट 265 का। उसके बाद में देखिए ये एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, वहां से नीचे टूटा ये स्टॉक, नो डाउट 254 252 तक भी आया, उसके बाद में फिर से एक रिकवरी दिखी 2 दिन से। अब इसमें अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। अब यहां से अगर ये ब्रेक कर जाता है रेजिस्टेंस को, जो कि इसका नो डाउट रेजिस्टेंस भी है, अगर ये रेजिस्टेंस क्लियर कर लेता है देन नो डाउट इट कैन कम टू ऑलमोस्ट 280 लेवल इजिली। तो 280 तक के लेवल के लिए आप इसको अगर 1 वीक के लिए, 1 या 2 वीक के लिए देखना चाहे, ट्रैक करेंगे तो आपको दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा MFSL। तो ये कल की वीडियो में पहला स्टॉक जो मैंने शेयर किया था वो कोई और नहीं, यही था MFSL। और इसमें मैंने आपको लेवल बोले थे कि जो इसका हाई, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया 526, तो 520 और 526 के लेवल तो आ गए, उसके ऊपर इसने एक हाई और लगाया 534 तक का। अभी भी दोस्तों देखिए इसकी क्लोजिंग जो है ये इसके यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखोगे देन दिस इज रेजिस्टेंस, देन नेक्स्ट टाइम इट वॉज सपोर्ट, अब ये फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है देन एट दिस लेवल 525 विल बिकम द सपोर्ट एंड दिस स्टॉक कैन गिव यू न्यू हाइज। जी हाँ, यानी 540, 545, इवन 550 और 60 तक के लिए भी स्टॉक जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे अवंती फीड्स। अवंती फीड्स और वाटर बेस दो अपने सेगमेंट में अच्छी कंपनियां हैं और इनका बिजनेस भी यूनिक है, बिजनेस मॉडल। और देखा जाए तो अगर उस हिसाब से अगर आप देखिए इस कंपनी को लेंगे, 3 दिन से लगातार इसमें एक हाई पे हाई बना चल रहा है। अगर इस स्टॉक पे, वैसे तो देखिए लोग डर जाते हैं कि नहीं एक स्टॉक जो है वो हाई देने लगा, इतना हाई बढ़ गया अब इसमें क्या पोजीशन बनाए, बट ऐसा नहीं है। अभी इसका देखिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 830 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो इस स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली ये 1-2 दिन करेक्शन जरूर आपको मिल सकता है, लेकिन ये 800 और 830 तक के लेवल दे सकता है स्टॉक, तो इस पर नजर बना के चलिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो कि कल इसमें रिजल्ट भी है इसका, ICICI लैम्बॉर्ड का। तो देखिए रिजल्ट के 1 दिन पहले आप देखिए इसमें खरीदारी कितनी हुई है,
जी हाँ, इस स्टॉक को देखिए, कल रिजल्ट है और आज इसकी खरीदारी आप देख सकते हैं, अच्छा खासा इसमें एक्युमुलेशन हुआ है। अब ये स्टॉक यहाँ से अगर कल भी सस्टेन कर जाता है, आज की क्लोजिंग यानी 14-12 की इसकी जो क्लोजिंग है, तो 14-12 सस्टेन कर जाए, देन यू कैन बाई इट अराउंड 14-15 और वहाँ से आप इसको फिर से एक 14-40-14-30 तक के लेवल इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, दैट इज टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी का दोस्तों मैंने ट्विटर पर मैंने इसको शेयर किया था, टाटा कॉफ़ी को। एक देखिए यहाँ पर इसने एक हाई, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 90 से स्टॉक स्टार्ट करके कहाँ निकल गया, ऑलमोस्ट 101 तक आ चुका है। इस स्टॉक में नो डाउट अभी भी चांसेस अच्छे खासे हैं। और देखिए इसके जो लेवल हैं वो मैं आपको बता दूं कहां तक ये स्टॉक जा सकता है। इसने अपना जो एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया है। अभी इसके पास देखिए नेक्स्ट लेवल 105 तक के हैं। 105 अगर ब्रेक कर गया ये स्टॉक, देन डेफिनेटली 115 तक के इसमें लेवल आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट फिर से देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था एक ही लेवल पर। इट वॉज कंसोलिडेटिंग विद द सपोर्ट ऑफ 294, 290 का सपोर्ट था इसमें। अब नाउ दिस इज ट्रेडिंग एट इट्स रेजिस्टेंस। ये स्टॉक मैंने कई बार डिस्कस किया है व्हाट्सएप ग्रुप पर, इवन टेलीग्राम चैनल पर भी। और इस देखिए फिर से ये रेडी है, कहीं ना कहीं अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेता है देन अगेन इट विल शो यू 330-335 लेवल। सो स्टॉक पे नजर रख सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टॉक है सन टीवी का। अब दोस्तों यहीं पे देखिए एक चीज क्लियर होती है कि जब इसमें एक रिवर्सल आया था, रिवर्सल के बाद इसने एक हाई मारा था ऑलमोस्ट 470-475 का, फिर दूसरे दिन इसने जब नीचे आने लगा तो लोग पैनिक हो गए, पैनिक में उन्होंने पोजीशन हटा दी, वहां से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर गए। मगर देखिए और कुछ लोगों ने क्या किया, जो जिन्होंने सपोज इस लेवल पे मान लीजिए 460-465 पे पोजीशन बनाई होगी, नेक्स्ट डे वो लॉस में निकल गए। लेकिन जब दोस्तों रिवर्सल मिलता है, डेली चार्ट पे आपको रिवर्सल मिला, तो वेट करो आप, टाइम फ्रेम जो आपको दिखे उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वेट करो और वहां से आपको देखिए पेशेंस का ही फल मिलता है। 480 आ गया, जबकि मैं इसमें ऑलरेडी बोल चुका हूँ 500 तक के इस पे लेवल आ सकते हैं नो डाउट, और 490-500 तक के लेवल इसमें डेफिनेटली दिखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, दैट इज हिंदुस्तान लीवर। तो हिंदुस्तान लीवर में मुझे कुछ नहीं बोलना, ऑलमोस्ट देखिए अपने रेजिस्टेंस पे इसने क्लोजिंग दी है, रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि 2050 तक का मैंने टारगेट ऑलरेडी दिया था। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 2100 या 2080 उसके पहले रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है ग्लेनमार्क, आज ही टेलीग्राम चैनल पे। जी हाँ, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक, t.me.nrjfinance/nrjfinance, या फिर टेलीग्राम में जाइए, आपको सर्च करना है एनआरजे फाइनेंस, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। आज ही देखिए मैंने ग्लेनमार्क का स्टॉक बोला था, ग्लेनमार्क में आज देखिए अच्छा खासा 350 के पास में मैंने बोला था, वहां से एक हाई हम लोगों को 57 तक का एक हाई मिला था। इस स्टॉक में भी एक ब्रेकआउट की जो चांसेस हैं लग रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए रेजिस्टेंस लेवल इसमें 355-360 का रेजिस्टेंस है, तो यहां तक ये डेफिनेटली कोशिश कर सकता है 360 तक की आने की। अगर एक बार ब्रेक कर गया तो आगे के लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। आई थिंक ये गिरने का डाउन ट्रेंड का इसने एक सिग्नल दे दिया, यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद देखिए इसका जो ऑल टाइम सपोर्ट भी है, रिसेंट के डेज में जो सपोर्ट है दैट इज 275, क्लोजिंग इज 276। सो व्हाट आर द लेवल एक्सपेक्टेड इन दिस स्टॉक, तो कहीं ना कहीं देखिए 270 तक के इसमें लेवल आते दिख सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इस पर नजर रख सकते हैं स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक इज ग्रेन्यूल्स इंडिया। जी हाँ, ये स्टॉक भी ब्रेकआउट दे चुका है। जी हाँ, इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है, कई दिनों से देखिए ये इसी लेवल पे चल रहा था, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फाइनली अगर आप देखोगे इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ऑलमोस्ट यहां पर आकर के। ब्रेक करने के बाद देखिए कल भी एक हाई लगाया, आज भी एक हाई लगाया 145 का, तो स्टॉक में अभी भी देखिए 150 और 160 तक के इसमें लेवल आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं, तो नजर बना के रखिए स्टॉक में। एक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 150 के आसपास में होगा, देन नेक्स्ट लेवल वी कैन सी 155। नेक्स्ट स्टॉक इज इग्राशी मोटर। जी हाँ, इग्राशी मोटर में अगर आप देखोगे डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद में एक अच्छी खासी आज बुलिश कैंडल बनी हुई है, गैप भी फिल थोड़ा होता दिखा है। अब इस स्टॉक में फिर से नजर बना के रखिए, अगर ये एक्टिव हुआ तो ये फिर से आपको
400 तक के लेवल देके जाएगा। जी हाँ, 380 400 तक के लेवल स्टॉक में इजिली आ सकते हैं, तो नज़र बना के रखिए। भले आप इसमें पोजीशन मत लीजिए, बस स्टॉक को ट्रैक कीजिए। लेकिन नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, अमराजा बैटरी की। कई दिनों से देखिए इसमें ब्रेकआउट के चांसेस लग रहे थे, फिर लगातार 5 दिन से, जी हाँ 5 दिन से स्टॉक चल रहा है। और इस स्टॉक में मैंने एक पोजीशन भी, कॉल ऑप्शन को मैं काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहा था, अच्छा रिटर्न वो दे चुका अब तक। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक का नेचर देखिए आप, लगातार हायर हाइज बना हुआ है स्टॉक पे। यहाँ पे आकर के इसने ऑलमोस्ट 700 या 710 के लेवल पे आके सस्टेन किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, और फाइनली इसने जो अपना एक हाई बना दिया है, काफ़ी दिनों से देखिए पेंडिंग बना हुआ था ये हाई। एक मिनट, इसको लेट मी मिनिमाइज दिस। तो देखिए अगर इसके हिसाब से अभी आप इसको और थोड़ा, जी हाँ यहाँ के हिसाब से अगर आप देखोगे, जो हमारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जो लेवल आते दिख रहे हैं, इसमें 800 तक के लेवल इसमें एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो 795 और 800 तक के लेवल इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, दैट इज टीवीएस मोटर। जी हाँ, कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था, मेरी लिस्ट में था। टीवीएस मोटर में भी देखिए एक ब्रेकआउट के चांसेस क्लियर यहाँ से दिख रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था इसमें, वो ब्रेकआउट मिलने के बाद, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था स्टॉक के बारे में, आज फिर से इसने हाई 492 का दिया है। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दिस लेवल, ऑलमोस्ट 500 का लेवल का मैं वेट कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हेन इट विल बी अचीव्ड, बट आई बिलीव मे बी टुमारो और मे बी विद इन 1 वीक वी कैन गेट दिस 500 लेवल, अगर कल रिवर्सल नहीं होता। आज डोजी बना हुआ है, देखते हैं कल क्या सीन रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, अदानी पोर्ट्स। तो दोस्तों अदानी पोर्ट्स को अगर आप देखोगे, लगातार 5 दिन हो चुके हैं इसमें, 5 डेज, जी हाँ 1 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 डेज से अगर आप अदानी पोर्ट को देखोगे, डेली मैं स्टॉक को देख रहा हूँ, 386 385 के आसपास में आता है, फिर से कंसोलिडेट करने लगता है 389 to 391 के लेवल में। जी हाँ, यही 3 से 4 पॉइंट में ही घूम रहा है। अब इसमें देखिए ब्रेकआउट पॉसिबल है, नीचे आ नहीं रहा है तो ऊपर जाने के चांस इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। देखते हैं अगर इसमें 400, 395 और 400 के लेवल आते हैं कि नहीं। बट अगर अगर हम लोग डिस्कस करें कि किस लेवल पे इंटर किया जाए, देन 394, 395 का जो लेवल होगा, अगर उसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दे दे, देन डेफिनेटली वी कैन टेक पोजिशन फॉर 410, 420 लेवल्स। नेक्स्ट स्टॉक है स्कॉट्स मोटर। ओ स्कॉट्स मोटर, ऑलरेडी वी नो अबाउट दिस, मेरा पसंदीदा स्टॉक। फाइनली 700 का जो लेवल है वो भी आ जाएगा, 740 तक देखिए। जी हाँ, 710 तक के इसमें, यानी 710 तक के अभी फिलहाल हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। अगर 710 के बाद 720 आ गया तब उसके बाद में चेक करेंगे। बट एक देखिए यहाँ पे गैप है अभी, ये वाला गैप, मैं इसकी फिलिंग एक्सपेक्टेड है मेरे से एस्कॉर्ट मोटर के लिए, तो अभी भी 720 यानी 720 का लेवल मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ इसमें, तो देखते हैं आता है कि नहीं। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा रिलायंस का, कल रिजल्ट है, 1 वीक से इस स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा था। फाइनली मैंने कल टेलीग्राम में भी बोला था कि आज इसमें एक्युमुलेशन दिखेगा, ये स्टॉक गिराया गया, यानी 1560 के लेवल से 1560 से गिरा करके इसको 1520 1515 तक ले आए, और उसके बाद में देखिए फिर एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया है जी। तो सस्ते में इसको एकुमुलेट करके अब इसको महंगे में बेचने की प्लानिंग चल रही है, यानी 1550 और 1560 तक के लेवल रिलायंस में फिर से आ सकते हैं, तो इस स्टॉक में नज़र बना के रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा इंडियन बैंक। थोड़ा एक काफ़ी टाइम से इसने अपने लो पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे एक आज एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी हुई है। अगर देखिए 102 के लेवल के ऊपर ये लगातार सस्टेन कर जाएगा, देन वी कैन टेक पोजीशन, आई मीन दिस स्टॉक विद इन 1 और 2 वीक इट कैन शो अस 109 110 के लेवल, 1 वीक में ये शो कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मैरिको का। मैरिको देखिए 330 के लेवल से ऑलवेज रिकमेंडेड है, यानी कि इसके पास 330 के लेवल में कई बार इसने सपोर्ट बनाया, फिर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 345 पे, वो भी आज ब्रेक हुआ है। नेक्स्ट इसमें लेवल जो एक्सपेक्टेड है 350 और 352 तक के लेवल रहेंगे। अगर 52 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी देन इट कैन गो फॉर 360 एज वेल। अच्छा स्टॉक है FMCG का, तो आप इसको साथ में रख सकते हैं, अपने ट्रैक करते रहिए इसको। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
तो ये स्टॉक है डीसीबी बैंक, 165 से जिसने एक्युमुलेट किया 200 का लेवल भी आ गया। जी हाँ, 205 तक के लेवल इसमें अभी और आने, आज हाई लगा है 204 का। सो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 204 205 इन दिस स्टॉक। और एक एसआईपी स्टॉक के तौर पे मैंने इसको सजेस्ट किया था, एक अच्छी खासी मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है। जिसे प्रॉफिट बुक करना है कर लो भाई, और जिसको अभी भी एक्युमुलेट करना है थोड़ा थोड़ा करके करते रहो। 204 215 तक के लेवल यानी इस रेजिस्टेंस तक का हम लोग वेट कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके अलावा ऑप्शन चैन डिस्कस करनी थी, कहाँ गई? जी हाँ, ऑप्शन चैन की अगर हम लोग देखिए बात करें तो 12,400 पे ऑलमोस्ट 19 लाख का ओआई डेटा है, जिसमें से फ्रेश जो कॉल राइटिंग है 66,000, नॉट दैट मच गुड। ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स 12,500। 30,000 का ओआई बन चुका है 12,500 के लेवल पे। वहीं पर आप 12,400 के लेवल पे देखोगे 2 लाख का फ्रेश पुट राइटिंग है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक पुश दे रहा है निफ्टी को ऊपर की तरफ। तो बाकी इसमें ऑलरेडी हम लोगों के पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो कल देखते हैं क्या होता है फ्राइडे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।